पाकिस्तानी स्पेशली जो है वो मेरे देखने वाले भाई जान, 5,000 में भी अगर मैं इसको करता हूँ, 5×35 40 लाख रुपए के अंदर अंदर मुझे ये गाड़ी यहाँ पे मिल रही है भाई जान, 40 लाख रुपए के अंदर अंदर संताफी 7 सीटर फुल ऑप्शन, 1 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी है आप लोगों के पास की। ये वाली साइड जो है ना गाड़ी की, ये साइड पूरी बनी हुई है गाड़ी की, ये पेंट हुआ हुआ पूरा रीपेंट है। अच्छा भाई अब इसका हम ले रहे हैं रोड पे टेस्ट, रोड पे ये 120 पे 130 पे लेके जाना पड़ता है, एक तो इसकी स्टीयरिंग की वाइब्रेशन वगैरह चेंज करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है, और दूसरा क्रूज, क्योंकि इसका क्रूज काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं अब इसका चेक करने लगा हूँ क्रूज। दोस्तों मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा यार आज काफी अर्से बाद में आके ऑफिस बैठा हूं, क्योंकि पहले उमरे पे था, बिजी था, उसके बाद कुछ काम वगैरह जमा हो गए थे जिनको देखना वगैरह था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कुछ मामला चल रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से रब्ता हो नहीं पा रहा काफी अर्से से, तो आप हाँ बोलो। कार आ गई देखने। अच्छा चले भाई बस ये स्केड्यूल चल रहा है, बैठते हैं फिर कुछ ना कुछ काम आ जाता है देखना, चलो आपको भी दिखाते हैं गाड़ी का आज हमने डील करनी है, तो मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जब आप ओमान के अंदर अपना गाड़ी वगैरह का बिजनेस करते हैं तो कितने में गाड़ी मिल जाती है, कैसे मिल जाती है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी वाली मंगवाई है, ये होंडा ही है। चलो चलते हैं जरा चेक मारते हैं इसको और आपको भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ये बेनिफिशियल बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पर। अभी चाबी उठाते हैं गाड़ी की, कहाँ पे वहाँ खड़ी है गाड़ी पार्किंग में, चलो। हाँ जी तो भाई ये है गाड़ी, अब मैं आपको बताऊँगा गाड़ी चेक कैसे करनी है आपने, और ये बेसिकली फुल ऑप्शन है, संताफी है, 7 सीटर है और रज के गंदी होके आई है भाई ये गाड़ी यहाँ पर, तो इसका ये मतलब है गंदी गाड़ी का मतलब पता है क्या है कि जेन्युइन बायर है। डीलर्स क्या होते हैं नॉर्मली जो है वो गाड़ी को साफ़ सुथरा क्लीन करके बेचते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने गाड़ी कैसे लेनी है, कितने की लेनी है और आपको कमा कर कितना देगी ये, और जो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान से स्पेशली, हिंदुस्तान में तो फिर भी गाड़ियाँ सस्ती हैं, उनके तो होश उड़ जाएंगे इस गाड़ी की कीमत सुन के, क्योंकि ये गाड़ी कम अज़ कम 1 करोड़ रुपये की होगी पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम मिनिमम। ये गाड़ी संताफी है, ग्रैंड है और ये फुल पैनोरामिक व्यू है इसका, और ये है यहाँ से हम लोग इसको ज़रा चेक मारते हैं भाई जान, पूरी साफ़ सुथरी है विदाउट एनी टेंशन, ये भी पूरा का पूरा फंटास्टिक है माशाल्लाह, साफ सुथरा है सारा माहौल, सीटें वीटें भी साफ़ है, ऊपर खुल रहा है नहीं खुल रहा है क्या सीन है, हाँ जी ये भी सही जा रहा है, टनाटन जा रहा है माशाल्लाह, तो ये सिस्टम भी सही है इसका। अब इसको चेक करते हैं हम कुछ और तरीके से, मीटर शीटर भी सेट है, क्लीन है, क्लियर है। अच्छा गाड़ी में देखो ये ना इसके दरवाजे बने हुए हैं, ये साइड इसकी बनी हुई है गाड़ी की, और यहाँ पे देखो ये पेंट शेंट थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, बाकी ये गाड़ी के ऊपर कलर जो है ना ये इसका शायद ओरिजिनल नहीं है, ये कलर इसका बाद में हुआ हुआ है कलर गाड़ी का, लेकिन वैसे गाड़ी की जो कंडीशन है वो 3.3 है ये और 4-व्हील ड्राइव है इसको हमने अभी, हाँ ये इसका पार्ट ओरिजिनल है पूरा पार्ट, ये इसका साइड शायद बना हुआ है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, हाँ बाकी ये खलीजी गाड़ी है, खलीजी गाड़ी की निशानी होती है, सारा अरबी के अंदर लिखा होता है, मतलब बाहर से इसका चीज़ वीज़ कोई चेंज नहीं हुई, यहाँ से हल्की हल्की सी इसकी देख रहे हो ये रबड़ शबड़ इसका थोड़ा, क्योंकि पुरानी है धूप में, यहाँ पर एक बड़ा मसला धूप में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मसला ख़राब हो जाता है। बॉनट इसका खोलते हैं ज़रा, बॉनट कुछ है यहाँ पर, ये रहा इसका बॉनट खोला हमने, अंदर से तो गाड़ी फंटास्टिक है, ऊपर से वो वाली साइड इसकी बनी हुई है गाड़ी की, अब इसकी थोड़े अंदर से इंजन की कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे देखो ये लकीरें वगैरह ये टच कुछ हुआ हुआ अलग अलग, लेकिन गंदी है गाड़ी, अच्छा थी ये है इसकी इंजन की कंडीशन, हाँ ओके, ये कवर इसका टूटा हुआ है, लीक वीक तो नहीं है, ऑयल डलने की वजह से यहाँ पे ऑयल आ जाता है, वैसे यहाँ पर कोई लीक शीक है नहीं कोई है सच इस तरह से, ये भी यहाँ से भी सब साफ सुथरा ही लग रहा है मामला, तो इंशाल्लाह टेंशन वाली बात है नहीं कुछ खास, बाकी तो जाहिर सी बात है एक चेक हम नॉर्मली हम चेक कराते नहीं है गाड़ी, मैकेनिक वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है नॉर्मली, लेकिन बास केसेस में हम लोग ये कि देख लेते हैं तो कर लेते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कोई मसला हुआ, इसका कूलेंट भी है तकरीबन इसके अंदर, ये सीन है, तो ओवरऑल ये कंडीशन है गाड़ी की, ये तो समझ में आ रही है, ये तो इसका ओरिजिनल लग रहा है, कलर हुई हुई है बहरहाल, ये गाड़ी कलर है नहीं नहीं है 0 मीटर, इसका कलर जो है वो वकाला का नहीं है, अब इसकी ड्राइव लेंगे, ड्राइव लेने के बाद फिर इसकी जो है ना वो बार्गो कितना मांग रहा है ये 55, अच्छा 5600 हो जाएगा, 56 देखते चलो चेक करते हैं, 56 बोल रहा है बंदा, लेट्स सी कितना बनता है, वो तो जितना होगा बारे में आएगा तो उठाएंगे, लेकिन
गाड़ी मुझको ओवरऑल सही लग रही है। देखो क्या हो रहा है कि जो लेके बेचने वाले होते हैं ना, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचनी समझनी पड़ती हैं कि भाई जान अभी ले रहे हैं, कल को बेचेंगे, 200-400 दे के जाएगी या नहीं दे के जाएगी, और काम निकाल तो नहीं देगी, बीच के अंदर कोई मसला तो नहीं कर देगी, लेकिन हमें वो टेंशन ही 300-500 देखेंगे, जितना छोड़ेगा बंदा छोड़ेगा, नहीं भी छोड़ेगा तो मुझे गाड़ी समझ में आ रही, क्योंकि हम ज़्यादा सोचते नहीं, ज़्यादा सोचने से जो है वो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। तो बस इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, घुमा फिरा के इसको चेक करेंगे थोड़ा, उसके बाद इसको बिस्मिल्लाह कर देंगे। तवक्कल अल अल्लाह। हमने इसका ब्रेक पैडल उठाया, रिवर्स लगाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गाड़ी देखो उठने में प्रॉब्लम नहीं कर रही, पिक में सही है। सर्विस का यहाँ पर अलबत्ता दिखा रही है कि भाई सर्विस इसकी रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिजिटल गाड़ियों की अच्छी बात यह है कि मीटर के अंदर उनकी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अच्छा, गाड़ी शोर शराबा नहीं है, इसके चलने वलने में भी कोई ऐसी जैसी सीन नहीं है। इसको एसी को मैं करूँगा बंद एक मिनट के लिए, क्योंकि मुझे इसकी नॉइज़ सुननी है। कोई नॉइज़ तो नहीं है इसके अंदर, हल्की हल्की पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही है। अब ये आपने चेक करना है इसके जो कट 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 तो नहीं हो रहा, देखो ऐसे फुल आपने काटनी है गाड़ी, ये नहीं, ये वाली साइड इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, कोई आवाज़ नहीं आई। अब हम इसकी वो वाली साइड चेक करेंगे, ये वाली साइड हमने चेक कर ली, अब हम चेक करेंगे ये वाली दूसरी वाली साइड इसकी, यहाँ पर घुमा के थोड़ी सी, फुल शार्प काटना आपने ऐसे, कोई आवाज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सही। तो इसका मतलब है कि ये इसकी चीज़ें सही हैं, इंजन भी सही है, लीक भी नहीं है। बॉडी का मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ से बनी हुई है, कहाँ कहाँ से नहीं बनी हुई। अब इसको थोड़ा सा स्पीड मार के चेक करेंगे। अच्छा, ये ऑनर जो इसका कौन है, ट्यूनिस, ट्यूनिस का बंदा मुझे बताया, ऑनर जो इसका बेसिकली गाड़ी का ट्यूनिस ही ना, वो बेच रहा है, टीचर है कोई, इसने कहा मैं टीचर हूँ, मैं मुझे थोड़ी पैसे की ज़रूरत है, मैं इसलिए बेच रहा हूँ। साफ़ सुथरी गाड़ी खड़ी हुई, ज़्यादा इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया वो, उसने मामला चलने फिरने में सही है। मेरा ये ख्याल है कि हमारी डील इस गाड़ी की बन जाएगी, क्योंकि मुझे जब गाड़ी पसंद आ जाती है ना, फिर हम ज़्यादा उसमें करते नहीं हैं, 200-400 ऊपर नीचे करके बिस्मिल्लाह कर देते हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना। अच्छी चीज़ अगर आपको 200 महंगी भी मिल रही है ना, आप ले लो, क्यों, क्योंकि आपको, हाँ ये देखा पीछे से आवाज़ आई है खटक करके, इसका मतलब इसकी शॉक का मसला है, गाड़ी गाड़ी की शॉक का मसला है। अभी मैं इसकी शॉक चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी पीछे से एकदम जंप के ऊपर आवाज़ अगले में से नहीं आई, पिछले वाले में से मुझे आवाज़ आई, तो अभी पीछे वाला हम शॉक चेक करते हैं इसका। एक और स्पीड ब्रेक के ऊपर इसको थोड़ा सा मार के हल्का सा, उसे ब्रेक, ब्रेक्स भी चेक कर ली, सही है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अब इसका हम ले रहे हैं रोड पर टेस्ट, रोड पे ये कि 120 पे 130 पे लेके जाना पड़ता है, एक तो इसकी स्टीयरिंग की वाइब्रेशन वगैरह चेंज करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है, और दूसरा क्रूज़, क्योंकि इसका क्रूज़ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं अब इसका चेक करने लगा हूँ क्रूज़, और क्रूज़ के बाद फिर हम जो है वो इसकी थोड़ा सा, बस अभी काफ़ी रश हुई है यहाँ पे, तो जहाँ ये मैंने किया क्रूज़ को ऑन, ये मैंने किया इसको सेट करके छोड़ दिया 80 पे, तो इसका मतलब है इसका क्रूज़ भी सही काम कर रहा है, ये दोनों पाँव मेरे ऊपर है, गाड़ी जो है वो चल रही है। अच्छा, क्रूज़ अगर आप चेक कर रहे हो ना भाई, स्पेशली गल्फ़ में, तो चेकिंग के टाइम पे फर्स्ट टाइम आपने कम पे लगाना उसको, क्योंकि मैंने एक अबू धाबी की खबर पढ़ी थी, 120-130 पे क्रूज़ लगा था, औरत का बेचारी का क्रूज़ खुल ही नहीं रहा था, तो उसको फिर बहरहाल कंट्रोल तो कर लिया, रोक लिया, लेकिन ये मसला हो जाता, तो क्रूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका सेट है, तो इसका मतलब है ऑल फाइन परफेक्ट। बाकी ये डैक शेक है इसका, ये भी सही है, आवाज़ भी सही है, साउंड सिस्टम भी फिट है, सो ऑल सेट गाड़ी मेरी तरफ से, तो ओके इंशाल्लाह इसको बस डील बना के इसको डाल दो अपने उसमें, अपना फ्लीट में। तो भाई जान अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा ये दिमाग है कि मैं इसको तकरीबन 5,200, 5,300, 5,000 तक या और इससे नीचे जहाँ भी टूटा तोड़ के गाड़ी को कल उठा लेंगे हम इस गाड़ी को इंशाल्लाह, और उसके बाद हम इसको जो है वो अपना चेंज वेंज करवा के, जो भी प्रोसीजर होता है यहाँ पे कानूनी, वो करवा के इसको रेंट आउट कर देंगे, तो ये चल जाएगा। देखो पाकिस्तानी स्पेशली जो है वो मेरे देखने वाले भाई जान, 5,000 में भी अगर मैं इसको करता हूँ, 5,35,40 लाख रुपए के अंदर अंदर मुझे ये गाड़ी यहाँ पे मिल रही है भाई जान, 40 लाख रुपए के अंदर अंदर संताफी 7 सीटर फुल ऑप्शन, 1 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी है आप लोगों के पास, ये 1 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी है ये जो यहाँ पर आपको मिल रही है, और उसकी इनकम भी कितनी आएगी, बेहतरीन किस्म की अच्छी इनकम आएगी। तो यही वो वजूहत है इसकी वजह से मैं बोलता हूँ भाई आओ इधर यार, इधर आके बिजनेस करो अपना मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों ख्वार हो रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, फिर डी वैल्यू नहीं हो रहा आपका पैसा यहाँ पर, जितना मैं भी लगा रहा हूँ आज, कल को मैं इसको बेचूंगा तो इससे 4 पैसे ऊपर मुझे देके जाएगी, और जो इसका मुझे मंथली रेंट आएगा वो अलग आएगा। और मैं आपको पहले ही मैंने बताया कि मैं भाईजान इन्वेस्ट उसकी तरफ नहीं जाता, क्या बोलते हैं इसके ऊपर लोन छोन जो करवाना है, जो लोग करवाते हैं किस्ते विस्ते, वो नहीं करना, कैश जितना कैश है उस हिसाब से खरीद लो, और कैश नहीं है तो मत खरीदो। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी साफी इनकम होती है वो आपकी जेब में होती है, आपको कोई किस्त नहीं देनी, किसी का कुछ नहीं देना, मेरा ये वर्किंग स्टाइल है। लोग है लेते हैं किस्तों पे, बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी उनका सारा लोन चौंती चल रहा है हिसाब किताब, लेकिन बहरहाल इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं जो खुद करता हूँ, जो खुद सीखता हूँ, जो खुद मामला करता हूँ, वही आप लोगों को सिखाता हूँ, मैं कोई हवा वाली बात नहीं करता कि खुद तो कुछ और कर रहे हो
लोगों को कुछ और भाषण दे रहे हो, वो वाला चक्कर नहीं है भाई। जो है वो हाजिर है, जैसे है हम हाजिर है। अब जितने भी लोगों ने अपनी कंपनी वगैरह की सेटअप करवानी है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह, रब्ता करो। 1250 रियाल सिर्फ लगेंगे आपकी कंपनी के, उसके बाद आप अपना ऑफिस लो, अपना वीजा आपका 316 रियाल का आएगा, उसके बाद आपका बताका छताका लगेगा, उसके बाद आप अपनी ऑफिस लो, ऑफिस का लाइसेंस लो, बिस्मिल्लाह करके अपने भाई की तरह अपना कारोबार आप लोग शुरू कर दो। तो मेरी तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको अगर समझ आ रही होगी जब से जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप नए नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और पुरानी वीडियोस भी जाके देख लो। काफी अरसे से मैं इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, पूरी डिटेल आपको उसके अंदर मिल जाएगी मेरे भाइयों। दुआओं की दरखास्त, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। ये है भाईदान हमारा एक एक्सपीरियंस बेहतरीन किस्म का, जो कि सल्तनत ओमान में जिसपे हम जा रहे हैं और जा रहे हैं हम रवा दवा है सफर की तरफ। इसको मैकेनिक से दिखाएंगे और उसके बाद सब ओके की रिपोर्ट होगी, जो कि उम्मीद है कि ओके की होगी इंशाल्लाह। तो इसको हम कल फाइनल कर देंगे और अपनी फ्लीट में डाल देंगे। दुआओं की दरख्वास्त भाईजान, 40 लाख रुपए पे तकरीबन कितना कमाएंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक की कुम से। एक मिसाल है, अगर 220 में भी हम देते हैं, एक मिसाल है, चलो छोड़ दो 250 को, तो 7 × 2 = 14 140,000 ऊपर वाले वो पैसे 4 × 80 = 8 तकरीबन 1,80,000-90,000 रुपए तकरीबन इतने पैसे बनेंगे इस गाड़ी के रेंट जो आएगा 1,80,000-90,000 रुपए मेरे भाई। रफ मैं बता रहा हूँ, वैसे ही टोटल कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।